दोस्तों फाइनली हमारा यहाँ पे इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि Redmi Note 7 Pro की जो लॉन्च होने की जो डेट है, मार्केट में आने की जो डेट है, वो आ गई है सामने। अरे अरे अरे, कहाँ चल दिए भाई फोन लेने? अरे इतनी जल्दी नहीं है, पहले मेरा वीडियो देखते जाओ, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे ऐसी चीज बताने वाला हूँ कि अगर आपने अपना पैसा हाथ में भी लिया हुआ है और आप Xiaomi Redmi का जो Note 7 Pro उसको लेने जा रहे हो, तो भी आप यहाँ पे रुक जाओगे। आप सोचने मजबूर होने वाले हो कि क्या ही आपको ये फोन सच में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो थोड़ा सा आप वेट करो, इस वीडियो को देखो और फिर आपको मार्केट जाने की जरूरत है Redmi Note 7 Pro को लेने के लिए, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस फोन के कुछ फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, अच्छी बातें, लेकिन एक ऐसी बुरी बात जिसको मुझे ऐसा लगता है कि 80-90% व्यूवर्स, अगर उन्होंने एक अपना एक डिसीजन ले रखा है इस फोन को लेने का, तो आप उसे कर देंगे यहाँ पे कैंसिल। तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए, आज हम बात करने वाले हैं Redmi Note 7 Pro के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं एंड्रॉइड गुरुजी। तो चलिए करते हैं बात कुछ फीचर्स की, आप सबके प्यारे, आप सबके राज दुलारे Redmi Note 7 Pro के बारे में। अगर हम बात करते हैं इसकी स्क्रीन की, तो आपको यहाँ पे मिलती है 6.3 इंचेस की IPS की LCD की डिस्प्ले। सुन लिया ध्यान से, यानी कि यहाँ पर आपको फुल HD जो डिस्प्ले है उसकी फैसिलिटी आपको कंप्लीट देखने को यहाँ पे नहीं मिल पानी है। तो फिर भैया किस बात की इतना माहौल बना रखा है इस फोन को लेने का, जब इसकी स्क्रीन ही इतनी काम की नहीं है, फिर किस बात का माहौल बना रखा है? और आगे सुनना चाहते हो तो चलो सुनो आगे। मैं आपको बता दूं, इस फोन के अंदर 9.0 का आपको यहाँ पे मिल जाता है पाए, और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 675 का आपको देखने मिल जाएगा चिपसेट, ऑक्टाकोर का प्रोसेसर और एड्रीनो का आपको मिल जाएगा यहाँ पे GPU। ओके है, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, अगर इस बजट के अंदर अगर आपको इतना कुछ मिल रहा है तो ओके, प्रोसेसर लेकर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं इसके वेरियंट की, 6GB की रैम, 64GB का रोम, 128GB का रोम, जो दो वेरियंट आपको यहाँ पे मिल गए। अब हम बात करते हैं इस फोन की जिसने मचा रखी है मार्केट में तबाही। भैया लोग बैठे हैं हाथ में पैसा लेके कि भैया हमें तो बस Redmi Note 7 Pro की डेट पता चल जाए, और ये इधर पैसा दिया और इधर फोन लिया। तो अब सुनो इस फोन की सच्चाई, आपको यहाँ मिलता है 48 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा। अच्छा लग रहा है सुनने में बहुत, लेकिन मेरे भाई इस वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में इस 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा है, इसकी एक्चुअल में सच्चाई क्या है। यहां तक आपने सुन लिया, अब आपको पीछे जो है मिलेगा आपको 48 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल का कैमरा, और साथ में आपको मिलता है यहाँ पे डुअल LED फ्लैश। बहुत अच्छा लग रहा है ना सुनने में, लेकिन लास्ट में जाके देखना, मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ वहां पर आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में ये चीज है क्या। अब इसका जो हम सेल्फी कैमरा है वो आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल के साथ में। काफी जो रेडमी है अपने आपको पता है कि अब कैमरे को लेकर काफी इंप्रूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर आपको जो सेल्फी है उसके अंदर आपको ब्यूटी मोड वगैरह वगैरह देखने को मिल जाएंगे। इस फोन की जो बैटरी है वो भी 4000mAh की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग भी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक वक्त आने पर वो चार्जिंग भी है जो इतनी ज्यादा फास्ट नहीं रह पाती है। तो भाई मेरे, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा किस चीज के लिए, कि मैं आपको बताऊँ 48 मेगापिक्सल की कहानी क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो 48 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल जो कैमरा का जो कॉम्बो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उसकी सच्चाई ये है कि अगर आप अपने फोन की जो कैमरा ओपन करके उसको आप अगर फोटो को प्रो मोड में क्लिक कर रहे हो, समझ गए आप, एक जो फोल्डर अपने जब कैमरा ओपन करते हैं तो उसके अंदर बहुत से ऑप्शन आते हैं, जैसे कि पैनोरामा है ना, लाइव फोकस, वैसे अगर उसके अंदर एक प्रो मोड का ऑप्शन आता है, अगर आप प्रो में जाके कोई फोटो क्लिक कर रहे हो, तब तो भैया आपकी फोटो आ गई 48 मेगापिक्सल की। लेकिन अगर आपने एक नॉर्मल फोटो क्लिक की है तो वो यहां पर आपको 12 मेगापिक्सल की ही देखने को मिलने वाली है। ये है इस फोन की सच्चाई। तो अब मेरे को ये बताओ कि हम मोस्टली सारी फोटोज क्या हम प्रो मोड में जाके कर सकते हैं उनको क्लिक? मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती है, हमें लाइटनिंग देखनी पड़ती है, कैसा बैकग्राउंड आ रहा है, वो सब कुछ देख के हम 48 मेगापिक्सल के अंदर जाके उस फोटो को हम क्लिक करते हैं। लेकिन भैया Xiaomi ने कर दिया यहाँ पे एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ड्रामा क्रिएट कर दिया यहाँ पे 48 मेगापिक्सल के कैमरा को लेके, क्योंकि भैया 12 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको कैमरा है, लेकिन अगर आप उसको प्रो मोड में जा रहे हो तो ही 48 मेगापिक्सल का है। तो अब मुझे बताओ भैया कि जब 12 मेगापिक्सल का ही आपको यहाँ पे कैमरा नॉर्मल फोटो के अंदर देखने को मिल रहा है, तो किस बात का शोर मचा रखा है Redmi Note 7 Pro को लेने का? आपको इस बजट के अंदर बहुत से ऐसे फोन मिल जाएंगे, सैमसंग का मिल जाएगा आपको अगर इसी 12 मेगापिक्सल का या इसे कंपैरेटिव अगर कोई फोन लेना है इस फीचर के अंदर, कोई भी फोन मिल जाएगा यार। और रही बात प्रोसेसर की या फिर बैटरी की, तो आजकल रियलमी है, कोई भी कंपनी ले लो, मैं किसी कंपनी का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, किसी कंपनी का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इस बजट के अंदर बहुत से ऐसे फोन है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि Redmi Note 7 Pro कोई बहुत बेकार फोन है,
नहीं, बहुत अच्छा फोन है, बहुत अच्छी इसकी प्राइस है, बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशंस है, ओवरऑल बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन मेरी जो एक शिकायत है वो ये है कि हमने इस फोन की बहुत ज्यादा हाइप बना रखी है कि बस भैया रेडमी फोन कौन सा लेना है, रेडमी नोट 7 प्रो अभी तक क्यों नहीं लिया, क्योंकि मार्केट में आया ही नहीं है, कहाँ से ले। तो भैया और कोई फोन नहीं है क्या? रेडमी नोट 7 प्रो की जो खासियत है वो सिर्फ ये है कि आप प्रो मोड में जाके 48 मेगापिक्सल के आप फोटोज क्लिक कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल के अंदर वो 12 मेगापिक्सल का ही काम करने वाला है। ये है इस फोन की सच्चाई। अरे क्या हुआ भाई, ऐसा मुंह कैसे बुला लिया? मार्केट जा रहे थे ना फोन लेने, जाओ, क्या हुआ? नहीं जाना, सोचने का मन कर रहा है? तो ये तो मैंने आपको बोला ही था कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन करेगा सोचने का कि ये मुझे फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो भैया ये था Redmi Note 7 Pro की कुछ स्पेसिफिकेशंस, कुछ फीचर्स, और जहां तक है मैंने इस फोन की कोई खास बुराई नहीं की है, मैं बुराई किसी फोन की नहीं करता भैया, सारे फोन अच्छे हैं, रियलमी बढ़िया है, जियोनी बढ़िया है, जियोनी हालांकि बंद हो गया फिर भी वो बढ़िया है, उसने बहुत अच्छे फोन निकाले थे, मतलब ओवरऑल सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है, सारे फोन बढ़िया है, लेकिन जो दिखता है वैसा एक्चुअल में बिकता नहीं है, क्योंकि 48 मेगापिक्सल को लेके मार्केट में बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो रही थी। मुझे लगा कि एक वीडियो ऐसी बनानी चाहिए जहां पर व्यूवर्स को पता चले कि एक्चुअल में ये चीज है क्या। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी, काफी हेल्पफुल रहा होगा, और काफी सोच समझ के हमें हमारा जो सेविंग का जो पैसा है वो हमें लगाना चाहिए। तो यहां पर आप इस चीज को थोड़ा सोच लेना कि 48 मेगापिक्सल की सच्चाई यहां पर क्या है। तो जो व्यूवर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो यहां जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही एंड्रॉयड और टेक्नोलॉजी की वीडियो डेली लेकर आता रहता हूं।